हेलो दोस्तों, अगर आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम के मन संचालन के लिए मैनेज की हुई बहुत ही खूबसूरत ढंग से विस्तार पूर्वक शायरियों से स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए हमने एक ईबुक लॉन्च किया इंस्टा मोजो पर। 99 रुपीज उसका चार्जेस है। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वहां आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 40 पेज की ईबुक डाउनलोड। हेलो दोस्तों, 15 अगस्त पर आपने शुरुआत करनी है। शुरुआत में ज़्यादातर क्या होता है कि अतिथि आते हैं और ध्वजारोहण साथ के साथ होता है, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को या कई जो नए संचालक होते हैं उनको दिक्कत आती है कि कैसे शुरुआत करें। देखिए, अतिथि आने से पूर्व आप कुछ बातें बोल सकते हैं। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। आओ हम सब मिलकर खाएं कसम, झुकने ना देंगे अब ये तिरंगा कभी। 76वें स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज के आगे देश हित के लिए संकल्प लेंगे, मानव धर्म और मानवीय गरिमा के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि प्रांगण में पहुंचेंगे, सबसे पहले तिरंगा ध्वजारोहण होगा। हमारी आन बान शान ये तिरंगा आज़ादी के लिए हुए बलिदान और स्वतंत्रता आंदोलन का साक्षी रहा है। शहीदों के ताबूत से लिपटकर वतन परस्ती का फर्ज निभाता है, लहराता है जब हिमालय की चोटी पर किसी की शहादत का कर्ज चुकाता है। हम हमेशा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, हमारे दिल में तिरंगे के प्रति सच्चे श्रद्धा भाव हों। अब जैसे इसी के चलते चलते इसमें कुछ और बातें भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि रूटीन में बोलना ही पड़ता है। लगातार बोलते रहिए रेगुलर, और उसी के साथ अतिथि आ जाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रांगण में पहुंच चुके हैं, उनका यहां पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलकें बिछाते हैं। स्वाधीनता के पावन पर्व पर माननीय मंत्री जी श्री जी ने हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करके हमारा सम्मान रखा, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से अभिवादन करते हैं। साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आएँ और ध्वजारोहण करें। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, वैर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का परिचायक तिरंगा फहराएं। आप बोल सकते हैं कि जैसे ध्वजारोहण होता है, हम सभी हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपनी अपनी जगह सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान होगा, माननीय मुख्य अतिथि मंच पर आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। अब ये जो मूवमेंट होते हैं, ये पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लोग अच्छी शब्दावली के साथ इन पलों को बेहतर बना देते हैं, यानी कि ये जो मूवमेंट होते हैं इनको बेहतर बना देते हैं, वो अच्छे संचालक जाने जाते हैं। क्योंकि अतिथि के पहुंचते ही ध्वजारोहण होता है, तो वहां पर आपको मैटर याद होना चाहिए कि अतिथियों के द्वार पर आते ही आप उनके स्वागत में कुछ बोल दो। जैसे ही वो स्टेज तक पहुंचते हैं तब तक आप बोलते रहें, फिर ध्वजारोहण होता है तब भी आप अच्छे से जैसे कि बोलिए, आपकी तैयारी होगी, आपको याद होगा, तभी ये 2-4 मिनट आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आप अनवरत अभ्यास के साथ काम कीजिए, क्योंकि अभ्यास के बिना आप अच्छा संचालन नहीं कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप संचालन अच्छा करेंगे। इस इंडिपेंडेंस डे को बहुत से ऐसे संचालक होंगे जो एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे और आने वाले भविष्य में मोटिवेशनल स्पीकर और बेहतर वक्ता बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। बने रहिए दोस्तों। अगर आपको मंच पर बोलना नहीं आता, मंच पर बोलने से डर लगता है, अगर आपको किसी भी कार्यक्रम की संचालन की या भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।